देखने वाले तो सब बना ही सकते हैं, लेकिन जो नहीं हम लोग नहीं देख सकते फिर भी हम बना सकते हैं, और सब जब जब खाते हैं हमारे हाथ से बनाई हुई चीज तो हमें और भी अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, क्योंकि देखते हैं वो लोग बनाते हैं उनका तो अच्छा ही रहता है लेकिन हमसे भी अच्छा बनता है, जब खाने वाले से बोलते कि हाँ बहुत अच्छा बना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सच में हमको भी आ गया और हम भी नॉर्मल के कंपटीशन में है। शब्दों से जूनागढ़ सत्यम सेवा युवक मंडल संस्था में रहीने अभ्यास करती अंध दीकरीना के जे आखे जोई नथी सकती परंतु ते वानगी बनावे तो भल भला आंगड़ा चाटता रही जाए, त्यारे संस्था द्वारा आ दीकरीओने जो पोते रसोई बनावी छे ने रसोई शीखवी छे तो कई रीते बनावी शकाय तेनी ट्रेनिंग आपवामां आवी रही छे। तो जाणीए आ बाबतमां दीकरीओनुं शुं कहेवुं छे अने तेमने रसोई बनावता कई रीते आवडी। यहाँ में मुझे रहते हुए 2 साल हो गए हैं और अभी हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है वो 10 दिवसीय, उसमें मैं हम सब वानगी बनाने के लिए वो जो आइटम्स बनाते हैं खाना बनाने की वो सब सीखते हैं, उसमें हमें जीना मैम और स्वाति मैम दोनों सिखाते हैं, बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग देती है, सबको हाथ पकड़ के सिखाती है क्योंकि हम टोटली रेंड है, हम नॉर्मल के जैसे काम नहीं कर सकते, हमें जो ट्रेन देते हैं उनको भी पता होता है कि हमें नॉर्मल के जैसे देख के नहीं सीख सकते हम, इसलिए वो लोग हमें हाथ पकड़ के ठीक से सिखाते हैं, बताते हैं कि इसको कैसे करना है क्या करना है। तो अभी 10 दिवस से हम जो सीख रहे आज उसमें हमने पहले दिन उत्तपम बनाए थे, डोसे बनाए हैं, आज पुडला बनाए हैं और साथ में वड़ा पाव, दाबेली, ये सब हमने समोसे और सब हमने बनाए हैं, ऐसी कई आइटम्स है, कल राजस्थानी दाल बाटी भी बनाई थी तो उसमें सब हमने बहुत अच्छे से सीखा और हम सबको आ भी गया और अब हम खुद का घर भी बसाएंगे तो हम खुद बना सकते हैं। नॉर्मल लोग होते हैं वो देख के उनको पता चलता है लेकिन हम लोग है वो हाथ के स्पर्श से पता चलता है, जैसे नमक है तो वो जैसे थोड़ी वो दरिया किनारे जैसे मिट्टी होती है धूल उसके जैसे थोड़ा थोड़ा एकदम धूल के जैसा होता है तो हमें पता चलता है कि नमक ही है, और मिर्च पाउडर है वो थोड़ा मोटा रहता है, और हल्दी पाउडर एकदम पतला और एकदम पेस्ट होते हैं उसमें, और उसका थोड़ा पेस्ट कम पेस्ट रहता है इसलिए उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये मिर्च है, ये हल्दी है, ये नमक है, में सीख जाते हैं क्योंकि देखने वाले लोग वो देख के ही करते हैं लेकिन हमको हमारे माइंड से और याद शक्ति के हिसाब से ही करना पड़ता है, हमको याद बहुत रहता है इसलिए हम याद रख लेते हैं, एक बार वो लोग हमें बता देते हैं तो हमें याद बहुत रह जाता है तो हम याद रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखने वाले तो सब बना ही सकते हैं लेकिन जो नहीं हम लोग नहीं देख सकते फिर भी हम बना सकते हैं, और सब जब जब खाते हैं हमारे हाथ से बनाई हुई चीज तो हमें और भी अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है क्योंकि देखते हैं वो लोग बनाते हैं उनका तो अच्छा ही रहता है लेकिन हमसे भी अच्छा बनता है, जब खाने वाले से बोलते कि हाँ बहुत अच्छा बना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सच में हमको भी आ गया और हम भी नॉर्मल के कंपटीशन में है। दीकरियों यहाँ 20 दीकरियों अत्यारे रहे छे, एने रहेवु खावु पीवु घणुं बधुं हम संस्था कोई चार्ज लेती नथी, फक्त ने फक्त आ दीकरी खूब आगळ वधे भणी गणीने नोकरी मेळवे अने અમે જે આ ટ્રેનિંગ આજ આપી રહ્યા છીએ એના ભવિષ્યમાં પોતાના લગ્ન થાય ત્યારે આ દીકરી પોતે હાથે રાંધી શકે, અહીંયા અમે એને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ એમાં ખાસ કરીને દાળ ભાત શાક રોટલી કે એના પર્શથી અને એના સ્વાદથી એને ખબર પડે કે આ દાળ છે, આ શાક બની ગયું છે, આ રોટલી અત્યારે થઈ ગઈ છે, એટલે આ દીકરીને અમે પગભર કરવા માટે અમારી સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી એવા મુકેશભાઈ બટુકબાપુ અને અમારી ટીમ આખી છેલ્લા 25 વર્ષથી અમે આ સંસ્થા ચલાવી છે, અત્યાર સુધી અમે લગભગ 25 એવી અંધ દીકરી હતી કે જેને અમે સાસરે વરાવી છે, અને આ દીકરીનું એક એવું હોય છે કે પોતે અંધ હોય એટલે સામે છોકરો પણ પોતે અંધ જ ગોતતો હોય છે, ત્યારે એને રસોઈને એવી તકલીફ પડતી હોય, એટલે અમારી સંસ્થાનો એક જ ધ્યેય છે કે એને ભણાવવાનું, એજ્યુકેશન આપવાનું અને રસોઈ શીખવાનું, અમારે ત્યાં કોઈ રસોઈવાળા બેન છે નહીં, આ બધી દીકરીઓ 20 દીકરીઓ અત્યારે રસોઈ હાથે બનાવે છે અને પોતે પોતાના પગભર થાય છે અને પોતે લગ્ન પછી પણ અમે અત્યારે ઘણી દીકરીને અમે પૂછીએ છીએ ત્યારે એ લોકોએ હજી ઘરે પણ જ્યારે એને રસોઈ કરવાની ત્યારે પોતે હાથે બનાવે છે, દાળ ભાત શાક રોટલી ખીચડી મીઠાઈ, એટલે આજે અમે ખાસ કરીને એક ટ્રેનિંગનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો એમાં દીકરીને આજે અમે ખાસ કરીને પુડલા છે, સમોસા છે, ઢોકળા છે, અલગ અલગ વસ્તુઓ ઘણી બધી અમે આજે છેલ્લા 8 દિવસથી શીખવાડીએ છીએ।
આમ આ દીકરીઓને હાલમાં પગભર કરવા માટે અનેક પ્રકારે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે. દીકરીઓને જો ભણવું હોય તો આગળ ભણવા માટે પણ સંસ્થા દ્વારા સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારે એક પણ રૂપિયો લીધા વગર આ દીકરીઓને પરણાવવામાં પણ આવે છે અને સાથે કરિયાવર પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારે આ પ્રકારે સંસ્થાના ભગીરથ કાર્યને લોકો પણ આજે વખાણી રહ્યા છે અને આ અંધ દીકરીઓને જે રસોઈ બનાવવાની ટ્રેનિંગથી આજે તેને ઘણું શીખવા પણ મળી રહ્યું છે. આશીષ પરમાર, ન્યૂઝ 18, જૂનાગઢ.